बारिश के मौसम में टहलते टहलते मेरी नज़र गई एक ट्यूबलाइट पे जो ख़राब हो चुकी थी। तो आइए अब इसे हम ठीक करते हैं। तो मैं इसे लेके आ गया हूँ अपने स्टूडियो में। हम लोग सबसे पहले इसके दोनों तरफ कैप्स जो हैं वो हम हटा देंगे और उसके बाद इसके ऊपर वाला भी हटा देंगे। तो हमें आप देख सकते हैं कि बहुत सारी LED लाइट्स लगी हुई हैं और हमें शोल्डरिंग आयरन की मदद से इसको हटाना पड़ेगा। तो हमने ये दोनों तरफ से हटा दिया है। तो इसके अंदर हमें मिली एक LED स्ट्रिप्स जिसके अंदर हमें मिलती है 120 LED लाइट्स। तो यहाँ पर हमें एक छोटा टूटा हुआ टुकड़ा मिल जाता है जिसको हम और भी तोड़ के अंदर देखने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का सर्किट मिलता है। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से ये सर्किट बना हुआ है और पीछे से ये कुछ इस तरीके के दिखता है। तो मैंने इसको सोचा मैं 3.7 वोल्ट दे के देखूँ तो भी नहीं चला और 12 वोल्ट से तो मेरी खुद की लाइट ही फूक गई। मैंने इसमें से कुछ LEDs रिप्लेस करने के बाद इसे वापस असेंबल किया और फिर मैंने इसे चला के देखा तो फिर ये चल गई। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। बाय बाय।